वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के बारे में। रमशा बहुत ज्यादा रोती है और अपने बाबा से माफी मांगती है। साजी साहब कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, जरा लाउंज में जाकर देखो, मैं तुम्हारी सारी यादें जला चुका हूँ, सिर्फ तुम रहती हो रमशा, और आज ये दिल कर रहा है कि तेल डालकर तुम्हें भी मैं आग लगा दूं। रमशा कहती है कि बाबा मैं इसी काबिल हूँ, आप जो सलूक करना चाहे कर सकते हैं। साजी साहब रोते हुए कहते हैं कि रमशा मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहता, क्योंकि जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे अपनी तरबियत पर अफसोस होता है कि तुम वही बच्ची हो जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। दुनिया की सारी मैंने बातें सुनी लेकिन रमशा पे मैंने आज तक नहीं आने दी। रमशा कहती है कि बाबा आप मेरी शादी करना चाहते हैं ना। साजी साहब कहते हैं कि कौन शादी करेगा तुमसे, तुम्हें पता है कि सबको पता चल चुका है कि तुम इस घर से क्यों गई थी, और कल तक तुम नखरे करती थी ना रमशा, कोई भी तुम्हारे नाक के नीचे नहीं आता था, लेकिन आज लोग तुम्हें मुंह लगाने को पसंद नहीं करते। अब इस घर में तुम्हारी औकात एक नौकरानी की तरह होगी और हमारे घर में बिल्कुल तुम नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारोगी और ना ही हम सब में मिलजुल कर बैठोगी। नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे, मेहनाज कहती है कि देखो ये हालत तुमने खुद अपनी बनाई है रमशा, वरना जितनी इज्जत थी ना तुम्हारी इस घर में तुम खो चुकी हो। रमशा कहती है कि देखें अम्मी जान, बच्चों से गलती होती है तो माँ बाप माफ कर देते हैं ना। मेहनाज कहती है ये गलती नहीं है, ये तुमने गुनाह किया है, इसको तुम गलती का नाम देती हो। रमशा जब कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी ना और जब तुम माँ बन जाओगी, जब तुम्हारी बेटी ऐसी हरकत करेगी ना तो तब जो तुम्हारे दिल पर गुजरेगी ना उस वक्त मुझे याद करना। रमशा कहती है कि अम्मी जान उस वक्त को छोड़ो, मैं तो अभी बहुत पछता रही हूँ, मैं क्या करूँ, ना तो मैं इस साइड पर जा सकती और ना मैं कहीं और जा सकती। मेहनाज कहती है कि तुमने खुद अपनी जिंदगी को आग लगा दी, वरना इस घर में तुम्हारे कितने नाच नखरे उठाए जाते थे, हर तरफ रमशा का शोर होता था, लेकिन आज देखो इन दीवारों से मुझे डर लगता है जो हर वक्त खामोश रहती हैं। तो ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। इजाजत दें, अल्लाह।